डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज आपको क्लास यर्थ का मैथमेटिक्स सेकंड पेपर मैं पढ़ाऊंगा। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें चैप्टर जो नंबर था वह अर्थ पड़ गया था, गलत था। देखिए चैप्टर अर्थ या चैप्टर नंबर आपका 15 होगा, उस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, उसी को आगे की तरह पढ़ाते हुए उसमें हम लोगों ने दो गुणनखंड जो ज्ञात करने का तरीका था, उसमें हम लोगों दो प्रकार को पढ़े थे। तीसरा आपका जो था वह वर्गांतर भी था, या इसी को पूरा में इस सिस्टम में आ जाएगा, जान लीजिएगा त्रिकोणमितीय बीजीय सरसंख्या सर्वसंख्या। उसको हम लोग अलग अलग करके पढ़ते, जैसे वर्गांतर, घन का योग, घन का अंतर, ये सब बताते अलग अलग करके, अलग अलग ना करके एक ही में पढ़ लिया सरसंख्या में। सरसंख्या में आ जाएगा आपका पहला, देखिएगा ए धन बी का होल स्क्वायर पढ़े आप, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन टू ए बी। दूसरा आपका आएगा इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तीसरा सरसंख्या जो होगा वो ए धन बी और ए माइनस बी इसका टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और चौथा आपका हो जाएगा, देखिएगा ए धन बी का होल क्यू इजकल टू आपका होगा ए क्यू धन बी क्यू धन थ्री ए स्क्वायर बी धन थ्री ए बी स्क्वायर। या इसी को लिखते हैं ए क्यू धन डी क्यू धन थ्री ए बी इन ब्रैकेट में आपका ए धन बी। और पांचवा आपका ए माइनस बी का होल क्यू इज इक्वल टू इसी रूप में लिख रहे हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी। ये सरसंख्या तो ये पाचन में तो बहुत होते हैं, जो जो आपके जो सिलेबस है सिलेबस के अनुसार पहला जो स्टार्ट हम करेंगे प्रश्नावली तो इसी पर आधारित है, तो उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा। सरसंख्या तो बहुत ज़्यादा इसके फार्मूले होते हैं, तो सारे सरसंख्या में आ जाएंगे। जो आपका सिलेबस है इसको देखिए यहीं तक। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जितने सरसंख्या हम लोगों ने हमने लिखा इसका हम डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन यानी इसको प्रूफ, ये कैसे होगा इसका प्रूफ किया जाएगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। यहाँ आप लिखेंगे प्रूफ आप फर्स्ट, देखिए फर्स्ट को सिद्ध करने जा रहा हूँ।
इसको सिद्ध करना है सर, संख्या इसके बराबर होगा तो हम सिद्ध कैसे कर सकते हैं। लेफ्ट को लीजिए, सॉल्व कीजिए, राइट वाला पोजिशन आ जाएगा तो ये सर संख्या सत्य हो जाएगा। यहाँ राइट को लीजिए और उसको हल कीजिए, लेफ्ट को लाइए, अगर यह कंडीशन आ जाएगा ये सब संख्या हो जाएगा। तो आइए दोनों तरफ से चल रहा हूँ, पहला लेना है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए धन बी का होल स्क्वायर, देखिए वही है, इसको हम लिख सकते हैं ए धन बी, और यह आपका ए धन बी दो बार लीजिए स्क्वायर को। अब क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, देखिए इसका इसमें इसका यहाँ देखिएगा, इस ए का इस पूरे में, इस बी का इस पूरे में गुणा कर दीजिए, या ए का ए में गुणा ए का बी में, बी का देखिए ए में बी का बी में गुणा गुणा करने जा रहा है, ए गुणे ए आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर से ए गुणे बी हो जाएगा ए बी प्लस, अब देखिए बी का ए में ए बी और प्लस बी का बी में बी स्क्वायर, अब देखिए ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आप ला रहे हैं धन बी स्क्वायर, ए बी धन ए बी टू ए बी हो जाएगा। देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और यहाँ देख रहे हैं राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड आ गया। अब क्या करेंगे, हमने कहा लेफ्ट को लीजिए राइट लाइए, अब हम राइट को ले रहे हैं लेफ्ट लाएंगे, राइट को ले रहे हैं लेफ्ट लाएंगे, देखिए लेफ्ट मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड आया, लेफ्ट बाया पक्ष, राइट हैंड साइड में दाहिना पक्ष, अब हम दाहिना पक्ष लेंगे, अब राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन टू ए बी यही है, इसको लिखा है ए स्क्वायर धन ए बी स्क्वायर धन ए टू ए बी को लिखते हैं, ए बी धन ए बी दो बार, अब ए स्क्वायर धन ए बी धन बी स्क्वायर धन ए बी, क्या किए इस ए बी को इसके पास, इस ए बी को इसके पास रख दिया, अब जो बताए थे क्या समूहांकित, समूहांकित का उपयोग करेंगे, उपयोग करके इसका वरिष्ठ गुणनखंड तब तक निकालेंगे जब तक कि दिए गए व्यंजक का पूरा गुणनखंड बाहर न निकल जाए। ए स्क्वायर ए यहाँ काम लेंगे, देखिए दोनों मिल रहा है, ए यहाँ बचे ए बचेगा, यहाँ आपका बी, इसमें बी काम लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका बी और यहाँ आपका बचेगा ए शेष। अब टोटल में देखिए क्या कॉमन है, टोटल में आपका ए धन बी हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा ए, यहाँ क्या आएगा बी, ए आपका हो जाएगा ए धन बी और ए धन बी रन बी का होल स्क्वायर, देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, हमने राइट लिया लेफ्ट लाया, अब पिछले वाला लेफ्ट लिया था राइट लिया था, अब आइए Thank you.
प्रूफ ऑफ सेकंड करने आ रहे हैं, प्रूफ ऑफ सेकंड। आपका ए लेफ्ट हैंड लेना है, लेफ्ट हैंड साइड तो राइट आना चाहिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी दो बार लिख दीजिए, ए माइनस बी है वही काम पूरा। ए का ए में ए स्क्वायर हो जाएगा, ए का बी में ए बी हो जाएगा माइनस में, बी का ए में तो माइनस बी हो जाएगा, बी का बी में प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस पूरा होता तो प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर यहाँ प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी माइनस माइनस टू ए बी। ये आपका राइट हैंड साइड हुआ, ये आपका राइट हैंड साइड हुआ। अब हम क्या करेंगे, राइट को लेंगे लेफ्ट लाएंगे, ये लेफ्ट लिया राइट लाया, अब राइट लेंगे लेफ्ट लाएंगे। ध्यान दीजिएगा राइट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये आपका ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी दो वाली भी है, और पुनः ए स्क्वायर इसको ए बी और धन बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आपका ये आपका ए कॉमन होगा, ए माइनस बी होगा, धन बी कॉमन होगा, देखिएगा आपका बी माइनस ए होगा पूरे में, देखिए बी माइनस ए माइनस बी, इसी माइनस कॉमन लेकर ए माइनस बी कॉमन लेना है, ए माइनस बी यहाँ हो जाएगा, ए प्लस है माइनस कॉमन लिया है तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। हमने राइट लिया का आया लेफ्ट हैंड साइड। इस प्रकार ये जो है आपका दूसरा प्रूफ हुआ। शेष आपका ये दो अगले वीडियो में प्रूफ किया जाएगा।